धुंध उड़ाती फिजा में बारीक कदम उठाता वो तार खोल की साफ सुथरी सड़क पर नाक की सीध में चलता जा रहा था कान में लगी डिवाइस के जरिए वो दूसरी जानब किसी से रबते में था सिया जीन्स में जैकेट की जिप गर्दन तक बंद की वो ठंड से सर्द पड़ते हाथों को जैकेट की जेब में डालकर आस पास नज़र दौड़ाता जा रहा था गले में लिपटे मफलर को इसने नाक तक खींचा ऐसी कहर बरसाती ठंड थी कि खुदा की पना सियासत आंखों से जगह का तयन करता वह सड़क से फुटपाथ पर आता गली में दाखिल हो गया वो सीधा से मकान के दरवाजे के सामने रुककर इसने नॉक किया दरवाज़ा फौरी खुल गया जैसे वो इंतजार में था इब्राहिम ने एक लफाफा इसकी तरफ बढ़ाया दो दिन के लिए मुलाजिम हटा रहा हूँ कर्नल के घर से इसकी माँ बीमार है इसलिए वो अपनी जगह तुम्हें यानी अपने चाचाजाद भाई को भेजेगा मुझे एक एक पल की खबर चाहिए खास तौर पर इस शख्स की कहते साथ इसने सालिया की तस्वीरी से दिखाई काम कामताज तरीके से होना चाहिए वो अजली हुक्मिया मजबूत लहजे में बोला जिस पर मुकाबल सर हिला गया यस सर काम हो जाएगा इब्राहिम पलटा और लंबे लंबे डाक पड़ता, वहां से निकलता चला गया इसके दिल में आग सी लग चुकी थी जो इसे समझ आ रहा था वो समझना नहीं चाहता था बात आगाही अजाब क्यों होती है माहौल में तनाव सदर आया था हाई कोर्ट के जज और नई बेग ने स्टेज पर बैठे पहलू बदला था इनके बिल्कुल सामने क्राइम रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट एक कितार में बैठे थे हमेशा की तरह रमल के नीडर और बेपाक अंदाज में किए गए सवाल ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया था सर आवाम आपसे इंसाफ की उम्मीद करती है हीरा अनवर नूर मुकदम और इससे कबल जाने कितनी लड़कियां हम क्राइम रिपोर्टर्स रोज़ हज़ारों की दाद में ऐसे केसेस देखते हैं अकल हैरान रह जाती है किस तरह इंसान इंसानियत की सतह से गिर कर दरिंदों को भी मात देने पर उतर आया है ऐसे ऐसे शर्मनाक वाकयात हमारे सामने आते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्यामत क्यों ज़रूरी है सर आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे लिए आपको इस अहदे पर मुक्र किया गया है अगर इन हालात में इंसाफ का तराजू थामने वाला ही आंखें फेर ले तो लोग कहाँ जाएंगे किससे मदद मांगे या एक हल है इस मसले का नहरों नदियों पर मिचाने बना दी जाए से लोग लगाकर मर जाए इसकी आवाज तलख से तलख हो गई जज ने माइक करीब किया नूर मुकदम का केस ठीक है हम इस पर काम करेंगे लेकिन सीएम के बेटे पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो भी कुछ बेहतर बात नहीं पुलिस की तहकीक़ जारी है आप सब सबकी इतला केस कोर्ट तक जाएगा क्योंकि वाकई ये सब पर काबू पाने की जरूरत है उम्मीद है किसी को मायूसी नहीं होगी हम वार लहजे में कहते हुए वो उठ खड़े हुए कैमरा मैन भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे सब क्राइम रिपोर्टर्स एक दूसरे से इस मौजू पर बात कर रही थी जब नई बेग रमल के सामने आ आ ठहरे रमल जी मैं कह रहा था कि हालिया पी पर पर तो या हम समझे कि आपने इनसे हाथ मिला लिया है जब मीडिया पर यह खबर आएगी कि इंसाफ की दिलदार रमल यूसुफ ने प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला लिया है और शायद इनके दरमियान कुछ चल रहा है तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर कितना असर पड़ेगा सोचा करें ना हम आपका भला चाहते हैं रमल जी आप भी हमारी भलाई का ख्याल रखा करें मकरू मुस्कुराकर चेहरे पर सजाता वैसे सरता पैर देखकर जा चुका था रमल ने कंधे उचकाए जैसे कहा हो मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता वैटर को ठीक करती वो बैग उठाकर एनजीओ से बाहर निकली इसे महसूस हुआ जैसे कोई इस पर नजर रखे हुए है इसने तेज काली आंखें घुमाई सर झटकती वो पूरे से चलने लगी गाड़ी इसने रिपेयरिंग के लिए भेजी थी अब इसका इरादा था करीब दस मिनट के फासले पर इसकी दोस्त का घर था सो वही जा रही थी चलती चलती वो रुकी दाई जानब चेहरा मोड़ देखा तो लकड़ी का छोटा सा दरवाजा खुला हल्का हल्का सा हिल रहा था अंदर बड़ा सा लॉन नजर आ रहा था दूर-दूर तक सब्ज़ा था फूलों की बेलें खूबसूरत अंदाज में درختों से लिपटी हुई थी इसकी आंखों में ताईश उभरी बेसाख्ता इसके कदम दरवाजे की जानिब उठने लगे इसका पहला कदम अंदर पड़ा जब किसी ने इसका हाथ थामकर अपनी ओर खींचा रमल ने बगैर इसे देखे एक जोरदार पंच मारा जो इसके मुंह पर लगा वह दोहरा होकर मुंह पर हाथ रख गया अभी वह दूसरा पंच मारती जब मीर हासिल ने इसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़कर इसे दीवार से लगा दिया रमल ने इसका चेहरा देखा इसे शौक सा लगा था यकायजाली आंखों में गुस्सा दर आया रोशन पिशानी पर बल पड़े थी तुम हाथ छोड़ो मेरा फिर बताती हूँ तुम्हें रमल यूसुफ के साथ ऐसी हरकत करने का क्या इंजाम हो होता है अपनी कलाइया छुड़वाने की कोशिश करती वो खा जाने वाले लहजे में बोली बस नहीं चल रहा था इसका सर फाड़ दे हर इंजाम कबूल है अगर जो आप रूठा ना करें इसके गुस्से से तने नकूश को फुर्सत से देखता वो लब दब आ गया मुस्कुराहट जरा जरा सी घुलने लगी थी इसके वजीह नकूश में नतीजन गाल में डिंपल जरा सा झलक दिखला गया जिस पर वो मजीद सीख पा हुई तुम्हें शर्म नहीं आती मुल्क के पीएम होकर कैसी हरकतें कर रहे हो इसे खुद तो पर कब्ज़ देख कर खुद को झटकती इसकी मजबूत गिर से छुड़वाने लगी जब बोली तो लहजा आग उगलता था जब ये तीखे नकूश तीखे दिखने लगे थे इसे सख्त मजहमत पर उतरते देख कर वो इसके दोनों हाथों को दीवार से हटा कर इसकी कमर से लगा गया दोनों में फासला मजीद सिमट गया वो शर्माई लजाई बिल्कुल ना इसे शर्म वरम नहीं आती थी क्योंकि ऐसे मौकों पर लड़कियों के पलकें लरजने लगती हैं गालों पर गुलाल सा बिखर जाता है इसे सख्त चिड़ लगती थी ऐसी फजूल हरकतों से हाय इसका वाला तो ये आरजू दिल में दबा कर ही जहाने फ़ानी से कूच करने वाला है इसे मुकम्मल अपने हसार में लेकर वो सर झुकाता धीमे लहजे में बोला फूलों की बीनी बीनी खुशबू माहौल को रोमानवी बनाने में बराबर साथ दे रही थी लेकिन इस मजबूत लड़की के जज्बात वहां चलती हवा की तरह सर थे पीएम का दिल नहीं होता क्या दिल भी वो जो किसी बदतमीज हसीना को देखते ही बेईमान होने लगता है इसकी शहद रंग आंखों के कांच सियानों कीले कांचों से टकराए से थे जो इसे दिल में कहीं अंदर खुबते से महसूस हुए थे अल्लाह वो ऐसे क्यों देखती थी फिर कसूरवार दिले नादान को ठहराया जाना था मीर मैं आखिरी बार कह रही हूँ मुझे छोड़ो नहीं तो आइंदा मेरी शक्ल देखने के लिए भी तरसोगे वो इस पार्ट लहजे में बोली वो जो कह रही थी कर गुजरने की हिम्मत और ताकत रखती थी जबकि वो वो तो इस लम्हे में मुकीद हुआ था जब इस जान की दुश्मन फितना अदा ने इसे इसका नाम पुकारा था वो इसे आजाद करता पीछे हटा जब वो झटके से दूर हुई कब की नतीजे में चमकीले बाल खुलते ही की मानत में गिरे थे वो इसके गहरे अल्फाज पर लप सख्ती से बीछे बालों को गोल मोल ढीले जूड़े में मुकीद करने लगी जबकि तेज आंखें इसके कान में चमकते डायमंड टॉप्स पर अटकी थी वो खामोश मगर बोलती निकाहों से, से मुसलसल तक जा रहा था सर्द हवा के बस संवरे बाल बिगड़े अंदाज में माथे पर बिखरने लगी थी वो गहरी सांस खींच कर आँखें सुकेरती एक कदम इसकी तरफ पड़ी जब वो बोली तो लहजा पुरसकून था पहली बात मैं किसी गैर से क्यों नाराज होंगी दूसरी बात अपने दिल को संभाल कर रखी ये दिल बड़ा जलील करवाता है तीसरी बात आटा कौन सा खाती हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो वो हल्के फुलके लहजे में बोली वो रमल थी इसे दिल तोड़ने नहीं आती थी इसकी आखिरी बात पर वो धीरे से हंसा गाल में गड़ा सा बना था कितना वजीहा लगता था वो हंसते हुए इसके दिल से बेसाखता दवा निकली खुदा करे ये मुस्कुराहट तुमसे कभी ना रूठे अपने दिल की बगावत पर वह साकत सी रह गई वो धीमे लहजे में कहने लगा था मोहब्बत की चाशनी बोलता हूँ इससे मजबूत पला कुछ हो सकता है जब ये किसी को अपने गिरफ्त में ले लेती है तो फिर कभी नहीं छोड़ा करती चाहे दिल मासूम पर हज़ार क्यामतें गुजर जाएं ये इससे जुदा नहीं होती लफ्जों का हक अदा करता वो एक आखिरी नज़र इस पर डालकर चला गया वो खामोशी से इसके उलझे अल्फाज को सुलझे अंदाज में मफहूम दे रही थी हाँ वो नाराज़ थी इससे हफाती इससे कि वो नहीं आया था वो खुद बड़ी थी इसकी तरफ वो हर किसी के पीछे नहीं जाती लेकिन इसने इससे वजाहत भी तो तलब नहीं की थी क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जो इसकी निगाहों से परे हो आज इसके अंदाज ने इसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था वो इस सब नहीं पढ़ना चाहती थी मोहब्बतें रूठ जाती हैं साथ चूट 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 जाते हैं वो मिशी नहीं वो मिशी नहीं बनना चाहती थी वो मोहब्बत नहीं करना चाहती थी दूर के ही मोहब्बत मुस्कुराई थी इसकी बचकाना सोच पर मोहब्बत भी भला खुद की जाती है ये तो बस हो जाती है हाविस तुम जाग रहे हो वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला था गज़ल को फिक्र हुई थी इसकी बाहिर वो इसे तंग करती थी इसे तपाती थी लेकिन दिल से इसका एहसास करती थी जिस हालत में वो लाया गया था इसे देखकर गजल को इससे हमदर्दी से हो गई थी वो कम उम्र होने के बावजूद इसका ख्याल रखती थी इससे इतना फर्क पड़ा कि सालिया जो किसी से बात तक नहीं करता था इसकी कुछ बातों का जवाब देने लगा था चाहे लहजा कितना ही तलख होता इसका अंदर कुछ भी महसूस नहीं करता था जज्बात जैसे जामिद से हो गए थे यही तो मोहब्बत की अदा है जहाँ मशाइम हर पल इसके लिए तड़पती थी वही सालिया यूसफ भी बेसकून सा रहता था यूं लगता था वो आधा अधूरा सा था कुछ तो वो कहीं खोकर आया था लेकिन क्या ये वो जान नहीं पाता था गजल को इसके उलझे अंदाज पाने लगे थे इसे अच्छा लगता था वो और बस इसने अपने दिल को बे एहतियार नहीं होने दिया था अंदर कहीं इसे लगता था कि वो कभी इसका नहीं हो सकता इसलिए इसने अपने दिल को बहला लिया था और ठीक किया था ज़िंदगी इतनी आरजा तो नहीं कि इसे रोगे जान बनाकर ज़ाया कर दिया जाए अब्बो महज इसे चिड़ाने के लिए ये सब अंदाज अपनाया करती थी वो नॉक करके अंदर आती इससे पूछने लगी वो जाग रहा था लेकिन इसकी बात का जवाब नहीं दिया वो इसके बेड के किनारे पर टिक गई चेहरा कुछ संजीदा था हाविज़ एक ज़रूरी बात बतानी थी सियावेरान आंखी छत से हटाकर वो इसे देखता उठ बैठा कसरती सीने पर हाथ बांधता वह इसके बोलने का मुंतजिर था बाबा साहब और जाकिर फरार हो गए हैं इसने गोया धमाका किया था वह जट से सीधा हुआ काली आंखों में तैश नमाया हुआ हाउ इज इट पॉसिबल वो एजेंसी जाने के इरादे से उठने लगा जब गजल ने इसका हाथ थाम कर रोका बाबा ने कहा है यह हम दोनों से मुतल नहीं है वह सब अब आर्मी की जिम्मेदारी है हमारा काम ख़त्म हो चुका हम मेजर इब्राहिम से मिले थे जिसने तुमसे फाइट की थी पिछले दिनों आया भी था घर पर बाबा ने बुलाया था वही लीड कर रहा है ये केस मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती थी वो पकड़ लेंगे इन्हें बहुत काबिल है वो इसे पुरसकून करती बोली थी फिर उठ खड़ी हुई तुम्हें कुछ चाहिए जाते जाते वो रुकी सिर्फ खामोशी मुखसरा कहता वो वापस लेट गया वो सर हिलाती मुस्कुराई थी जैसे इसी जवाब की उम्मीद थी इसके जाने के बाद वो बत्ती बुझाकर करवट के बल लेट गया ये अंदाज वो उलझा इसने नीम अंधेरे में बैठ की दूसरी जानब देखा जो हाली थी क्या वहाँ कभी कोई था यूँ लेटने पर इसका दिमाग क्यों उलझ रहा था वो फिर से सीधा होकर लेट गया इसकी गहरी आंखें तारीकी का सीना चीरने की कोशिश में थी जबकि दिमाग इसे सोच रहा था तो जिससे वो मिला वो मेजर इब्राहिम था पहली मुलाकात में वह इससे लड़ा था दूसरी में इसके गले लगा था इसका अंदाज और अल्फाज इसे उलझन सदा कर बाबा कोई अपने बच्चों को यू छोड़ कर जाता है वह सर झटकता उठ बैठा सर में दर्द सा होने लगा था इसे देखने पर वो चौंका था ऐसा लगा था ये चेहरा इसने देख रखा है लेकिन जब आईने में खुद पर नजर पड़ी तो चंद पल वह हिलना सका था मामूली से फर्क के साथ वह हु हुब इस जैसा था लेकिन हर दुनिया में इतफाक भी तो होते हैं मुमकिन है वो इस जैसा दिखता हो इससे तो ये साबित नहीं होता कि इनका कोई ताल्लुक है वो अनजान था अभी नहीं जानता था कि इनमें किस कदर गहरा ताल्लुक है ये हून की कशिश ही थी जो इसके दिल को बेचैन करने लगी थी यकायक वह सर दोनों हाथों में थाम कर थाम गया दिमाग में दर्द की तेज लहरी से उठने लगी सर झटकता वो दराज से वो टैबलेट निकाल कर खाने लगा जो वो सर दर्द होने पर खाया करता था इस बात से बेहबर के सारा फसाद ही इन दवाइयों का था अरिश कहाँ थे सुबह से न तुम्हारे आने का पता चला है न जाने का इसे लाउंज से गुजरते देख कर अरशमा ज़रा गुस्से से बोली अरिश ने रुक कर इसे देखा जो किचन के दरवाजे में खड़ी थी वह सख्त हफ़ा लगती थी इसने चेहरा घुमाती महबीर को मदद तलब नज़रों से देखा जो मैच देख रहा था इसने इसे नजरअंदाज करते कहा मुझे यूं मत देखो ठीक कह रही है वो जब मर्जी गायब हो जाते हो तुम्हारी एक अदत बीवी है फैमिली है पता नहीं कहाँ गायब रहती हो अर्शमा की हमायत में बोलता वो मज़े से मैच देखने लगा अरिश ने इनके टीम बदलने पर अफसोस भरी नजरों से इन्हें देखा फिर अर्शमा के पास आया सॉरी मामा जान आइंदा ऐसा नहीं होगा इसके हाथ थाम कर अकीदत से लबों से लगाता वो नरमी से बोला जितनी मोहब्बत वो अपनी माँ से करता था शायद ही किसी और से करता हो अच्छा चलो जाओ कमरे में ईरा का भी ख्याल किया करो बहुत अच्छी बच्ची है मुझे शिकायत का मौका ना देना अरिश अगर मुझे मुझे पता चला कि तुम इससे मिसबिहेव करते हो मैं बहुत हर्ट होंगी इसके बाद संवारती, वो नरमी से बोली थी वो सर हिलाता पलट कर से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ने लगा इसके जाते ही हयान अंदर दाखिल हुआ पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस वो थका थका सा लग रहा था वो महाबीर के बराबर आ बैठा बैठते ही इसने सर सोफे की पुश्त से लगाकर आंखें मूंद ली क्यों नवाब साहब जिंदगी ज्यादा थकाती है या फर्ज महाबीर ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते सर मे आंखों में सवाल लिए पूछा था इसे अपने तीनों बेटे अजीज थे लेकिन हयान से इसे हाँ उनत थी जो काम वो कर रहा था इससे दिलों में इसके लिए एहतराम और मोहब्बत आप ही पैदा हो जाती थी बेईमानी के इस दौर में ऐसे ईमानदार ऑफिसर शाजो नादर ही पाए जाते हैं वो सीधा होता मुस्कुराया, फिर गूँट गूँट पानी पीने लगा जिंदगी ज़्यादा थकाती है बाबा ये है तो फ़र्ज़ है ये नहीं तो कुछ नहीं इसके गहरे अल्फाज पर वो मुस्कुराकर कर इसे देखने लगा क्या कुछ याद नहीं आने लगा था अरशमा चाय और कुछ स्नैक्स ले आई इन्हें सर्व करके हयान के बराबर बैठी वो रिलैक्स होता इसके कंधे पर सर रखता आंखें मूंद गया वो मोहब्बत से इसके गाल पर हाथ रखती इसका सर चूम गई मेरा बच्चा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है हयान गनी मुँच तले लब जरा से मुस्कुराहट में डले आपकी दुआएं मेरे साथ हैं ब्यूटीफुल लेडी सीधा होकर वो इनके गिरद हाथ फैलाकर साथ लगा गया महाबीर मुस्कुराती नजरों से इन्हें देख रहा था ख्याल आने पर वो पूछने लगा केस का क्या बना ने इनकी जानिब देखा दाढ़ी खुजाता वो मज़े से कहने लगा रमल ने मेरा काम आसान कर दिया है पहले तारीख नहीं मिल रही थी अब जज पर प्रेशर आ गया है आज कल मैं कोर्ट की डेट मिल जाएगी इस बार इन लड़कों को ज़रूर सज़ा मिलेगी एतमाद वकील भी कर लिया है हमने सबूत भी हमारे हक में जाते हैं एक मसला है इरा को जाना होगा कोर्ट कुछ देर के लिए क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है इस वाक्य की वो लब काटता महबीब को देखने लगा जो खुद भी सोच में पड़ चुका था कोई ज़बरदस्ती नहीं है अगर वो मानती है तो ठीक है वो अर्शमा और हेयान को एक एक नज़र देखता पूरी सोच लहजे में बोला वो जानता था ये सब इतना आसान नहीं होता हक की राह में बहुत से कांटे ज़ख्मी करने को आते हैं अरशमा बेचैन नजर बेचैन नज़र आ रही थी वो चुप नहीं रह सकी बेटा वो बहुत मासूम है वो लोगों का सामना नहीं कर सकती यान की आंखें चमकी वो नफ़े में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ जिस ईरा से मैं मिला हूँ वो मजबूत है किसी हद तक ख़तरनाक भी मामा जब कोई शरीफ शराफत छोड़ता है तो इससे खतरनाक कोई भी नहीं होता हालात इंसान को पहले सा नहीं रहने देते वो एक खतरनाक सिचुएशन से गुजरी है और महफूज रही है आप इसके लिए परेशान मत हो इन्हें हैरत के समंदर में गरख करके वो जा चुका था इसे आईने के सामने अजीब और गरीब हरकतें करते देखकर वो कमरे की चौखट पर रुक गया इस बेबी को फ्लट से कुछ बात नहीं था वो इसकी आमद से बेहबर अपने आप को मुख्तलिफ सावियों से देख रही थी अनाबी छोटे से लब बाहर निकालती वो नीली आंखें पटपटाकर अपनी बैली को देखने लगी आई एम प्रेग्नेंट इसने प्यार से हाथ बैली पर रखा बेबी डोंट वरी मैं आपके पास हूं ना मुस्कुराकर वो पीछे मुड़ी ही थी कैसे चौखट में खड़ा देख कर इसकी आखे फैली आपका जल्दी से वो सरता पैर देखा हल्के गुलाबी शॉर्ट फ्रॉक के साथ पटियाला शलवार पहने गोरे चिट्टे रंग में गुलाबियां बिखेरे वो मोमी गुड़िया लग रही थी रंग ऐसा निखरा निखरा था कि हाथ लगाने पर ही मैला होने का हादसा हो मजीद इसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें अपने शहर में इस तरह जकड़ती थी कि होश व हवास गुम कर देती थी, थी वो लापरवाह थी अपने बेपना हुस्न से वो धीरे धीरे से चलता इसके सामने आकर रुका महरून लेदर की जैकेट के साथ ब्लैक टी शर्ट और जींस में अपनी गहरी बुरी आंखों से देखता वो इसका दिल धड़का गया क्या कर रही थी तुम हम आंखें सुकेरता वो इससे इसके साब का अमल की वजाहत तलब करने लगा वो वो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ सर उठाकर इसे देखती वो ठहर ठहर कर बोली अरिश ने इसे देख कर पीसे क्या बकवास कर रही हो कुछ अकल भी है क्या बोला है तुमने इसके कंधों को अपनी आहानी ग्रिप में जकड़ता वो गुस्से से बोला क्या ऊल फूल बक रही थी वो क्या है छोड़े मुझे मैंने ड्रामे में देखा था लड़के ने किस की थी अपनी वाइफ को फिर इसकी वाइफ को वॉमिट हुई और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई मतलब बेबी आएगा ना मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ अब अच्छा इसकी बातों से अरीश का सही मायनों में दिमाग घूम गया इसके ड्रामे तो वो बंद करवाता है इससे तुम्हारे जहीन दिमाग ने ये अहस कर लिया कि तुम इसने अपने आप को कुछ सख्त कहने से रोका हाँ तो मुझे भी वॉमिट हुई फिर पेट में दर्द हुआ ना इसके बिल्कुल करीब खड़ी वो अपनी बात पर डटी रही चंद लम्हे लप पीछे वो इसे देखे गया फिर अचानक जोर से हंस पड़ा इरा मुख खोले इसे देखने लगी जो लगातार हंसता जा रहा था हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया था मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप मुझसे अब बात भी ना करना आप सोने जा रही हूँ मैं अपने बेबी के साथ वो दांत पीस कर कहती फन करती बेड की जानिब जाने लगी जब आरिश ने इसका हाथ थामा किसका बेबी है ये मुस्कुराती गहरी नजर इसके वजूद पर डालता वो गंभीर लहजे में पूछने लगा वो नाराज नजरों से दे इसे देखने लगी आपका और मेरा गोया एहसान किया गया था बेबी सिर्फ किस करने से नहीं आती इसकी कमर में हाथ डालकर करीब करता वो बारी लहजे में बोला था इसकी कुर्बत इसे बहकाने लगी थी तो कैसे आते हैं लरजती पलकें झुकाती वो धीमी आवाज़ में बोली दिल की धड़कन मुंतशिर सी होने लगी थी वह झुक कर इसके चेहरे को करीब से देखने लगा बाद में बताऊंगा इसके सर की पुश्त पर हाथ रखकर इसका चेहरा बुलंद करता वो इसके लबों पर झुकता इसकी सांस है पीने लगा वो आंखें पूरी खोली खोले इसके कंधे पर हाथ मारने लगी जो इस पर झुका पीछे हटना ही बोल गया था इसका जिस्म ढीला पड़ता महसूस करके वो पीछे हटा तो वो लटखड़ाई फौरन से बेड पर बैठती वो सांस बहाल करती इसे आंसू भरी आंखों से देखने लगी बहुत गंदे हैं आप अब दो बेबी हो जाएंगे मैं कैसे संभालूंगी मुंह बसूर कर कहती वो अपनी साइड पर जाकर लेट गई आंखों पर बाजू रखती वो सोने की अदाकारी करने लगी अब तो वो इससे बात तक नहीं करना चाहती थी अरिश ने निगाहें फेरी गहरी अपने को लगाम डालता। वो, वो चंद पल मजीद ठहरता तो खुद पर से एहतियार खो बैठता What? आपने सोचा भी कैसे आई कॉन्ट बिलीव मामा और बाबा आप भी एग्री कर रही हैं वो छोटा है मुझसे ये बात नज़रअंदाज करके कर भी दूँ तब भी मैं हरगिज इससे शादी नहीं करूँगी इसकी हिम्मत कैसे हुई रिश्ता बेचने की मैं जान से मार दूँगी इसे गुस्से से बुलंद आवाज़ में बोलते इसकी गर्दन की रगें फूल गई थी चेहरा खतरनाक हद हत तक सुरख पड़ चुका था इस वक्त वह कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी इनारा ने सुबह सुबह ही ऐसी बातें कर दी थी जिसने इसका दिमाग बक से उड़ा दिया था वह बेचारगी से रहान को देखने लगी जिसने फिलहाल इसे खामोश रहने का इशारा किया अभी अर्शिया से बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिब था वो पानी का गिलास एक सांस में हाली करती हैंड पर्स उठाकर नेवी ब्लू कोट झटक कर पहनती बाहर निकल गई तनफन करती वो इसके ऑफिस में दाखिल हुई दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती वो इसके मुकाबले आई जो ब्लैक टर्टल नेक स्वेटर पर ब्लैक कोट पहने हुए था इसके अंदाज़ देखता वो आईब्रो चुका गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए रिश्ता बेचने की खतरनाक तेवरों से इसकी जानब बढ़ती वो वाई थी बदर ने इसके दोनों हाथों को काबू करते इस जंगली बिल्ली को दूर झटका अपनी हद में रहो उंगली उठाता वो दरिश्तगी से बोला रही बात हिम्मत की तो बहुत है मुझ में आजमा कर देख लो अब के इसका रह इस था देख देखते हैं किसकी जिद जीतती है तुम ना वैसे एक नंबर के घटिया इंसान हो इसकी शक्ल के गिरत उंगली से हाला बनाती वह तीखे आग उगलते लहजे में बोली जिस पर बदर का दिमाग घुमा। तुम्हारी ये बकवास तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा घटियापन होता क्या है दरमियानी फासला खत्म करके इसका चेहरा दबोच कर झटका था इसके मुंह पर दहाड़ा था दोनों के चेहरे लाल बबूका हो रहे थे कोई भी झुकने को तैयार नहीं था अचानक से कमरे की कुशीदा फ़िज़ा में मोबाइल की रिंग टून की आवाज़ गूंजी। इसे खतरनाक नीली आँखों से गूरती व कॉल पिक करने लगी बदर ने देखा शाहान कॉलिंग लिखा नज़र आया था इसने मोबाइल स्पीकर पर डाल दिया वह खुद पर काबू करती हम बार लहजे में बोली हेलो इट्स अर्शिया स्पीकिंग। जो आबन स्पीकर से आवाज़ उभरी हेलो क्वीन कैन वी मीट एट डिनर दिलकश लेबो लहजा था बदर का पारा चढ़ा मना करो इसे अभी इसी वक्त वो दांत पीस कर बोला अर्शिया ने तीखी मुस्कुराहट से इसे देखा अब आय का मजा यस शोर मिलते हैं कहते साथ, इसने काल काट दी मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो मैं अपनी मर्जी की आप मालिक हूँ वो पलट कर जाने की नीयत से आगे बढ़ी जब बदर ने इसे कोहनी से थाम कर रोका तुम नहीं जाओगी वो पलट कर आईब्रो उचका गई हु अजली मगरूर अंदाज में बोलती वह कोहनी छुड़वा कर खेलती, बाहर निकली बदर ने जब्त खोते। टेबल से टाइम पीस उठाकर पूरी कुत से जमीन पर दे मारा। ने पलट कर देखा इसका चेहरा देख कर पहली बार इसे इससे खौफ महसूस हुआ था जिंदगी की तार पंद्रह ज़ाहरी हिजाबों में लिपटी हुई है पंद्रहवे से पाँच हिजाब तो ऐसे है जिन्हें आमतौर पर लोग जानते हैं मसलन नब्स आँख की पुतलियाँ पैर की पिंडलियाँ गर्दन का लड़खना और जिसम का ठंडा पड़ जाना अब पाँच हिजाब इसके आगे हैं जिनकी पहचान जरा मुश्किल है खून का खुश्क हो जाना रेड की हड्डी से रता ख़त्म हवास हमसा की अज़ाए, रायसा की कारदगी का रुक जाना हराम मगज़ का फैल कर जहर और तोहफन में तब्दील होना बाकी पांच हिजाबों का ताल्लुक आम इंसानों और पर्दों से बराह रास्त नहीं यानी मादियत से नहीं रूहियत से और रूहानियत से है इन हिजाबों के पीछे झाँकी लेना हर किस व नाक़ का काम नहीं मेडिकल साइंस यहाँ चुप साध लेती है यहाँ एक दूसरा जहान और महसूस लोगों का गुमान शुरू होता है आम तौर पर किसी की मौत की तस्दीक मुस्तनद डॉक्टर हजरात करते हैं जो सिर्फ़ पहले पाँच हिजाबों के अंदर जाँग कर अपना फ़ैसला सुनाते हैं मगर कुछ महसूस तबीब भी होते हैं जो अगले पाँच हिजाबों तक भी चंद रसाई रखते हैं और कहीं महसूस हालात में अपने इस इलम से इस्तात करते हुए इंसानियत की खदमत करते हैं अक्सर अमवाद अधूरी होती हैं और हम किसी हद तक जिंदा इंसानों को दफन कर देते हैं मौत की तस्दीक के लिए पहले पाँच हिजाबों की गवाही कभी कभी अधूरी भी रह जाती है आपने पढ़ा सुना होगा कि नहलाते कफनाते दफनाते वक्त मुर्दा उठकर बैठ गया बूत बुद कहते हुए लोग बाघ उठे या बेहोश हो गए इक्का दुक्का ऐसा वाक्या सुनने को मिलता रहता है या वही मुर्दे होते हैं जिनकी मौत का ऐलान पहले पांच हिजाबों की जांच से होता है मालूम हुआ कि काबिल मौत पंद्रह पर्दों की तस्दीक पर वारित होती है अक्सर ये भी सुनने में आता है कि मुर्दा मरने के बाद इतने घंटे या दिन सुनता भी है हर आने जाने वालों को पहचानता भी है इसे असूदगी या तकलीफ का एहसास भी रहता है वो कब्र में दफन होने के बावजूद अपने घर में आता जाता रहता है बीवी बच्चों की मसरूफियात पे नजर रखता है वगैरह वगैरह ये बातें इसी हिजाबों वालों से कबील से ताल्लुक़ रखती हैं अगरचा पहले दस पर्दों से मौत की तस्दीक हो जाती है लेकिन फिर भी यह मकान मौजूद होता है कि कामिल मौत वाक्य ना हुई हो दस हिजाबों के बाद के हिजाबों का मामला फिर आम हाथों में नहीं होता ये तो फिर कोई और लोग होते हैं